पटना में पार्किंग को लेकर मामूली विवाद में कई राउंड फायरिंग की खबर है। इस वारदात में एक शख्स ने अपनी जान भी गंवा दी है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के कम्युनिटी हॉल को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और अग्निशमन की गाड़ियां मिलकर आग पर काबू पा चुकी है। इस बीच लोगों ने वहां पहुंचे पुलिस वालों को भी खदेड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। फायरिंग में 4 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी हटाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद एक गुट ने पहले गाली गलौज की, फिर कुछ आदमी जुटे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना नदी थाना क्षेत्र के चिठूलू गांव में रविवार दोपहर को हुई है। आज उसी बात के लिए हुआ सर, पहले तो 2-3 होके मारा मेरे, हाँ गाड़ी पार्किंग के लिए बोले ना, उसके लिए मारा। और उसके बाद जब आदमी सब गोतिया आया, पूछने गया उससे कि क्या हुआ, काहे मारे, क्या बात हुआ, तो डायरेक्ट आया, थाना था वहाँ पर, थाना सारा भाग गया सर, एक भी थाना वहाँ पर नहीं देखा। सबसे बड़ा गलती थाना के सब हथियार निकाले हुआ था, देखा वो लोग गोली चला रहा है, सारा थाना भाग गया। पुलिस के मौजूदगी में सर कम से कम वहाँ पर 10-15 फोर्स था, और थाना पर गोली चलने लगा, सब हथियार लिए हुआ था, अपना टाइट सया, लेकिन जब गोली चलने लगा तो सारा रिटर्न हुआ, गाड़ी स्पीड किया, नदी थाना था, 112 था, सब थाना भाग गया, कोई थाना नहीं था, सारा थाना भाग गया। थाना का वहाँ एक्शन ले लेता, सब घटना नहीं होता, सारा थाना का सर पैसा ले ले, सारा थाना घुसखोर। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही नदी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप में जुटी है। पीड़ित परिजनों की माने तो उमेश राय नाम के एक दबंग है, उसी से पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। उमेश ट्रक से गिट्टी गिरवा रहा था, इस वजह से पार्किंग का रास्ता बंद हो गया और गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही थी। इसको लेकर जब उससे बात की गई तो वो लड़ाई पर आमदा हो गया और इस वारदात को अंजाम दे दिया।